कोई माने या ना माने, पर पाकिस्तानियों ने जरूर मान लिया है कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान से आया रिएक्शन वीडियो इसकी तस्दीक करता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में देखते हैं कि पाकिस्तानी पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में क्या विचार रख रहे हैं। हुई भी है और नहीं भी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ चीज़ें उसने की हैं अपने कंट्री के लिए, बट अगर मेजॉरिटी पे जाएं तो लोग उसको नहीं भी पसंद करते, और ज़्यादा जाएं तो कुछ लोग पसंद भी करते हैं। बट मोदी पावरफुल लीडर है, तो उसको बीट करना आई थिंक राहुल गांधी के लिए, जिस तरह बाकी उनके लीडर्स हैं, उनके लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आप इंडिया में डेवलपमेंट देखें टेक इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, आईटी में, एमबीबीएस में, तो बहुत ज़्यादा हुई है। को क्या लगता है इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है? अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी इंडिया ने बहुत तरक्की की है, सबको नज़र आ रही है। सबसे पहले तो इंडिया का जो मोस्ट पॉपुलर जो इस ड्यूरेशन में हुआ है अंडर कोविड, वो हुआ है आईटी। उन्होंने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। और दूसरा, उन्होंने ट्रेडिंग में की है। ट्रेडिंग में इंडिया ने सबसे बेस्ट जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी दी हैं, और इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी उन्होंने अपने बेटर किए हैं दूसरे मुल्कों के साथ। दैट्स वाई उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तरक्की की है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इतनी तरक्की देखते हुए इंडिया की आने वाले टाइम पीरियड 2024 के इलेक्शन में क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी दफ़ा भी अपना टेन्योर दोबारा लेके आएंगे? क्या तीसरी दफ़ा भी वही एज अ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होंगे? हो सकते हैं। क्या चांसेस हैं, क्या रीज़न? ज़ाहिर बात है, एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी जब लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा है, तो लोग भी ज़ाहिर है उसको सपोर्ट करेंगे। जब उसके लोग उसके साथ हैं तो वाई नॉट, क्यों नहीं बन सकता? कौन रोक सकता उसको, प्राइम मिनिस्टर? बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। इंडिया ने हर सेक्टर में तरक्की की है। उन्होंने अपने आईटी डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, एजुकेशन में एज कम्पेयर टू पाकिस्तान उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की की है। प्रीमियर लीग्स, उनके डोमेस्टिक लेवल, उनके क्लब लेवल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा हो गया। उसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट कर रही है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही, जैसा कि इन्होंने लेवल ख़त्म कर दिया, डोमेस्टिक लेवल ख़त्म कर दिया। इस वजह से हम इस सेक्टर में भी और बाकी सेक्टर में भी तरक्की नहीं कर रहे। आप किस तरह देखती हैं इंडिया की तरक्की को, कितनी डेवलपमेंट हुई है इंडिया में पिछले इतने टाइम में, मोदी की दो हुकूमतें गुजरी हैं? काफ़ी डेवलपमेंट हुई है एक्चुअली। वो जो मतलब हुक्मरान है वो कौम के लिए काम कर रहे हैं और उस पर तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन इधर जो है वो मतलब आपस में लगे हुए कि हमने ये पोजीशंस लेनी है। और ये अगर हम बात करें आने वाले टाइम पीरियड की, 2024 में जो इंडिया में इलेक्शन होगा, आपको क्या लगता है उसमें क्या तीसरा टेन्योर भी, तीसरी हुकूमत भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की फिर से आ जाएगी? क्या वहाँ के अवाम इतनी उनके साथ है और उनकी डेवलपमेंट को देख रही है कि वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर मोदी को इलेक्ट करेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर? अगर वो काम कर रहे हैं कौम के लिए और मतलब सब मतलब सपोर्टिव हैं, तो फिर ऑफ कोर्स हो सकता है। अच्छा, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इंडिया में जितनी डेवलपमेंट हुई है, डू यू थिंक कि ओनली प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ द रीज़न, मतलब सिर्फ उनकी हुक्मरान उसकी वजह है, या अवाम का भी हाथ होता है? इस क्वेश्चन में तो ज़ाहरी बात है कि जो मुल्क में ज़ाहरी बात है डेवलपमेंट होती है, वो ज़ाहरी बात है उसका प्राइम मिनिस्टर ही उसका जो होता है वजह होती है। प्राइम मिनिस्टर जो फैसले करता है उसी लिहाज से डेवलपमेंट होती है। ज़रूरी तो नहीं जो लॉज हैं उसी के अकॉर्डिंग हो। प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा हाथ होता है।